जितनी दिखने में सुंदर है खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है। एक कटोरी काजू ऐड करते हैं जार में। एक चौथाई कप पानी ऐड करते हैं, बारीक पेस्ट बना देते हैं। काजू का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है, इसे पैन में निकाल लेते हैं। काजू के पेस्ट को पैन में ऐड कर लिया है, हाफ बाउल चीनी ऐड करते हैं। धीमी आंच पे बराबर चलाते हुए मेल्ट कर लेते हैं चीनी को। चीनी मेल्ट हो चुकी है, गाढ़ा होने तक पका लेते हैं बराबर चलाते हुए धीमी आंच पर। बर्फ़ी गाढ़ी हो गई, बराबर चलाते हुए पका दिया है। एक चम्मच घी ऐड करते हैं, घी से बर्फ़ी में स्वाद अच्छा आता है। घी को मिक्स कर लेते हैं, पैन छोड़ने तक भून लेते हैं। बराबर चलाते हुए गाढ़ा होने तक पका लिया है, पैन छोड़ने लगा है, बनकर तैयार हो गया है। इंडक्शन ऑफ कर देते हैं, इसे निकाल लेते हैं। एक प्लास्टिक की शीट लिया है, इसमें निकाल लेते हैं। प्लास्टिक में इसको इस तरह से गूंथ लेते हैं जैसे चिकना हो जाएगा। इस प्रोसेस को कई बार करेंगे इस तरह से प्लास्टिक की सहायता से। बराबर गूंथ कर चिकना कर लिया है, इसे बेल लेते हैं बेलन के साथ। बेलन में घी लगा लिया है, इस तरह से बेल लेंगे पतला, बहुत ना मोटा रहेगा ना बहुत पतला। बेल कर तैयार कर लिया, चारी वर्क लगा लिया, इसे पीस में कट कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी काजू कतली बनकर तैयार है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।